सेतु बंधासन यानी ब्रिज पॉज। सेतु का अर्थ होता है कोई भी मार्ग और बंध यानी रोकना। सेतु बंध ऐसा आसन है जो किसी बीमारी को रोक देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि इस आसन को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। साइटिका पेन वाले इस आसन को कर सकते हैं, बैक पेन वाले भी इस आसन को कर सकते हैं, अस्थमा वाले भी इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि ये लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। साइटिका पेन वाले इस आसन को ना करें जब उनके ज्यादा दर्द हो। अगर करना हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। इसका कोई ऑपरेशन हुआ हो फिर भी इस आसन को न करें। प्रेग्नेंट लेडीज भी इस आसन को नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं सेतु बंधासन करना। सबसे पहले दंडासन में आ जाए। दंडासन में आने के बाद शवासन में चले जाए। शवासन में आने के बाद अपने पैरों को अपने हिप्स के पास ले आए। अब अपने एड़ियों को पकड़े। अब श्वास लेते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं। यह आपकी फाइनल पोजीशन है। इस पोजीशन में श्वास आपका नॉर्मल रहेगा। इस पोजीशन में जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अपने पैरों को सीधा कर दीजिए। यह आसन करने के बाद आपको सीधा नहीं उठना है। आप थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे। शवासन में आपके हाथ ऊपर की साइड होंगे और पैर खुले होंगे। आप धीरे धीरे दंडासन में आ जाए। Share and subscribe my channel. See you in the next video. Bye bye.